अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको चोलिस्तान डेजर्ट की एक और शादी दिखा रहा हूँ। ये शादी भी सेम उसी तरह से होती है जैसे पंजाब के दूसरे गांव में होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। जिनकी ये शादी हो रही है इनका नाम मिस्टर खालिद है और ये एजुकेशन में इन्होंने मास्टर किया हुआ है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस इलाके की जानी पहचानी पर्सनैलिटी भी हैं। गाइस, क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए दिन के वक्त इस तरह की गैदरिंग हो ही नहीं सकती, और उससे बचने के लिए फिर ये लोग नाइट का फंक्शन करते हैं। और जिस दिन बारात जानी होती है घर से निकलते हुए दुआ मांगी जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल बजाए जाते हैं और दूल्हे के सर के ऊपर से पैसे वार के वो ढोल वालों को या जो डिज़र्विंग पीपल हैं आसपास के रहने वाले उनको पैसे दिए जाते हैं और ये समझा जाता है कि हम दूल्हे का सदका उतार रहे हैं। हर इलाके के अपने रस्म रवाज होते हैं। इस इलाके में जो दूल्हा होता है उसमें रेड चादर उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई होती है और उसके हाथ में एक खंजर होता है जिसके ऊपर एक कवर भी चढ़ा हुआ होता है। गाइस, अपने घर से निकल के जब दुल्हन के घर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले अपने गांव की जो मस्जिद होती है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर दो रकात नमाज दूल्हा नफल अदा करता है और इमाम मस्जिद साहब उसके लिए दुआ करते हैं, तो इस रस्म को सलामी या सलाम बोला जाता है। आम लफ्ज़ों में इसको बोला जाता है कि दूल्हे को सलाम करवाने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो दुल्हन के घर की तरफ रवाना होते हैं। अल्लाह पाक का तेरा एहसान है या अल्लाह, इन्हें कुछ इन्हें खुशियाँ नसीब फरमाई या अल्लाह, इन्हें तोड़ दिया खुशियाँ नसीब फरमाई। क्योंकि यहाँ से 5 से 6 हज़ार बंदे की कुकिंग होनी है, उनको यहाँ पे डील करना है, तो उसके लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सुबह से ही शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ देगें पकाने वाले जो लोग हैं वो देगें भी पका रहे होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो डिश है वो बीफ है, देग में बीफ पकाया जाता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें बन रही हैं जिनमें स्टीम चिकन है और इसके अलावा मीठे चावल हैं। यहाँ पे जो डिनर का टाइम है वो 8 से 9 बजे का रखा गया है और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और दूल्हा जो है वो उसका घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये पंडाल लगाया गया है, तो वहाँ से ढोल बजाते हुए वो उसको साथ लेके आते हैं। रास्ते में उसके दोस्त रिश्तेदार वो उसके सर के ऊपर से पैसे वार के उस ढोल वाले को दे रहे होते हैं, तो अभी काफ़ी सारे गेस्ट भी आना शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ खाना भी अब तैयार होने वाला है।
जैसा कि आपने पहले मेरी वीडियोस में देखा है, किसी शादी पे वो बड़ी बड़ी रोटियां पका रहे हैं, किसी पे छोटी रोटियां पक रही हैं जिसको तवी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये तंदूर में रोटी लग रही है और ये लोग दोपहर के बाद लगाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 5 से 6 हज़ार बंदे की रोटी पकाना वो इतना आसान काम नहीं है। इस पे ये जो दो तंदूर लगे हुए हैं ये अभी इन्होंने सिर्फ शादी के लिए बनाए हैं, और जैसी ये शादी गुजरेगी ये तंदूर यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। फैज, ये जो हमारे इलाके में वाहद शेफ़ हैं मोहम्मद रमज़ान, कि अगर एक इनको 1000 देगें भी पकानी पड़े तो हर देग का टेस्ट और उसका टेक्सचर एक जैसा होगा। हमेशा यहाँ पे मेगा कुकिंग की जाती है, वहाँ पे ये होता है कि खाना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक देग का टेस्ट और होगा, दूसरी का और होगा, लेकिन ये वाहद शेफ़ है और इनकी इतनी डिमांड है कि ये अपने ऑर्डर भी पूरे नहीं कर सकते। अभी क्योंकि शाम होने वाली है और काफ़ी सारे गेस्ट भी आना शुरू हो गए, तो इस विलेज के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो पंडाल के बाहर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं जो लोग आने वाले हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। क्योंकि इस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट को चलाने के लिए जनरेटर रखे गए हैं। ये सारा लाइटिंग अरेंजमेंट करने के लिए तकरीबन 30 से 40 बंदों ने काम किया है, जो सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक जिन्होंने ये फाइनल किया है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा पंडाल है तो यहाँ पे एक ही गेट से सर्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने 5 से 6 जगह पे गेट बना दिए, वहाँ से खाना सर्व होगा ताकि किसी किस्म का रश ना लगे। लेडीज़ के लिए अलग से टेंट लगाया गया जो कि इनके घर के बिल्कुल पास है और आई थिंक वहाँ पे कोई 500 के करीब चेयर्स हैं। पंडाल ऑलमोस्ट फुल हो चुका है जिसमें 5000 चेयर्स लगाई गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे गेस्ट हैं जो बाहर चारपाइयों पर बैठे हुए हैं, सो इन्होंने अभी खाना सर्व करना शुरू कर दिया है।